অযোধ্যার কথা কলে সরজু নদীর কথা কবই লাগিব। অযোধ্যার এই রাম জন্মভূমি সরজু নদীর পারত আর এয়াই সরজু নদী, এয়াই সেই সরজু নদী যত কোবা হয় ইয়াত যদি কোনোবাই স্নান করে তেনেহলে পুণ্য প্রাপ্তি হয়। আর কোয়া হয় যে ভগবান শ্রী রামচন্দ্রই ইয়াত স্নান করেছিলেন। প্রবাদ আছে বা বিভিন্ন ধরনের এই ধরনের লোককথা চলি আছে। এবার হেনু লক্ষ্মণে কৈছিলে যে তেও বহুত তীর্থ ভ্রমণ করবে, তেতিয়া শ্রী রামচন্দ্রই কৈছিলে যে ইয়াত যদি স্নান করে তেনেহলে ইয়াত সেই গোটেই তীর্থ ভ্রমণের পুণ্য অর্জন হয় বা সেই সমান পুণ্য অর্জন হয়। আর সেই তেতিয়ারে পর এক কথা চলি আছে, রঘুকুল সঘরানা হো চরণ হো রাঘব কে যাহা মেরা ঠিকানা হো। রাম আয়েঙ্গে রাম আয়েঙ্গে তো অঙ্গনা সজাউঙ্গে, দীপ জ্বালা কে দিওয়ালি মা মানাউঙ্গে, মেরে জন্ম কে সারে পাপ মিট জাঙ্গে। রাম আয়েঙ্গে महत्ता ये है कि यहाँ पर पुण्य की प्राप्ति होती है और गुप्तार घाट में भगवान राम गुप्त हुए थे। तो काफी भीड़ होता रहेगा, बहुत बहुत भीड़ होती है। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है राम की पैरी पे। ये रामनवमी पे एक सबसे बड़ा उत्सव होता है, उस दिन होती है। और बस अब ये मेला शुरू है, अब ये पूरे साल दो साल लगातार चलते रहेगा, जब तक भारत के 150 करोड़ लोग जब तक दर्शन नहीं लेंगे तब तक ये मेला रुकेगा नहीं। पूरा आप ये घाट देख रहे हैं, यहीं पर दीप सजते हैं, सीढ़ियों पे सजते हैं, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक रहते हैं। अब की बार हम लोगों ने 21 लाख से ज़्यादा दिए जलाए हैं और उसमें कम से कम 15,000 वॉलंटियर थे, जिसमें हम लोग भी थे और हम लोग सहयोग रहता है और 15 मिनट के अंदर उन दियों को जलाना रहता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना रहता है। और एतिया यार एक बड़े पोरी बेखे हुकिया हो ऐसे निश्चय कोई एक एटा दिन और सकलरे मुखे मुखे खुना जी एटा शब्द राम की पेरी बा हनुमान गरीब और अयोध्या राम जन्मभूमि अयोध्या राम जन्मभूमि अयोध्या कोई थका मुखे मुखे चली थका कथा या वास्तव रूप आम देखाई एक कई दिन विशेषक प्राण प्रतिष्ठा सम्मुख